हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा शू कलेक्शन का पार्ट टू, यानी कि दूसरी वीडियो आ रही है मेरे शू कलेक्शन पे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ उस वीडियो का पार्ट टू, यानी कि मेरा शू कलेक्शन का पार्ट टू। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। प्लीज जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ मेरे ये वाले शूज। एज यू कैन सी गाइस, दीज आर फ्रॉम कूव्स। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर के शूज हैं और यहाँ पर इस तरीके का क्रिस क्रॉस मतलब पैटर्न दे रखा है शूलेस वाला, जो बहुत ही शीक और एलिगेंट लगते हैं गाइस पहन के। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं इसको पहन के एवरी सिंगल डे अपनी दुकान पर जाती हूँ। एंड दीज आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल शूज़। अगर आप लोग ऐसे शूज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल शूज़ हैं और ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते। बस एक ब्रश मारो और ये शूज़ साफ़ हो जाते हैं। तो ये है सबसे पहले मेरे पास, ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है। आप लोग चाहे तो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ये और भी कलर्स में वहाँ अवेलेबल थे, लेकिन आई लाइक ब्लैक तो इसीलिए मैंने ये ब्लैक कलर में ही लिए हैं। ऐसे वाइट कलर के इस पर ये शूलेस बने हुए हैं और ये कुछ इस तरीके के हैं। आजकल ऐसे वाली चप्पल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। मैंने एवरी सिंगल गर्ल मैं सबको देख रही थी कि वो ऐसे वाली चप्पल्स पहन रहे हैं, तो आई थॉट कि मुझे भी लेनी चाहिए। मैंने रिसेंटली ही खरीदी थी, लॉकडाउन से पहले मैंने ये बैलीस खरीदी थी, ये चप्पल खरीदी थी दुकान आने जाने के लिए, मतलब फॉर अ चेंज। यार कभी कभी अच्छा लगता है कि इस तरीके की। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये थोड़ा ऐसे वेलवेट टाइप का यहाँ पे मटीरियल लगाया हुआ है, दी काइंड ऑफ वेलवेट मटीरियल। और यहाँ पर भी इस तरीके का ऐसे बो बनाया हुआ है बहुत सुंदर सा, अगर आप लोग देखेंगे। ये वाली जो बैली है, ये कल मैंने अपने मेरे घर के पास एक लोकल मार्केट है, आर्य समाज मार्केट। अगर आप लोग उत्तम नगर में रहते हो तो आपको पता होगा कि वो बहुत भारी बढ़िया मार्केट है यार, वहाँ से मैंने ये खरीदी थी। कहूँगी कि ये मोस्ट कंफर्टेबल चप्पल है इस अर्थ की, नहीं ये मोस्ट कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फॉर अ चेंज और फॉर मतलब कि रोज़ एक तरीके की वैरायटी, अगर आप नहीं पहनना चाहते अलग अलग वैरायटी पहनना चाहते हैं डेली अपने आउटफिट के साथ मैचिंग करके पहनना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की चप्पल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है मेरे पास, और इन चप्पलों की बहुत अच्छी वैरायटी है गाइस मार्केट में। आपको दिखेगा कि इन चप्पलों में ह्यूज वैरायटी कलर्स और एक बो पैटर्न ही, और भी कई तरीके के पैटर्न इन वाली चप्पल में आपको मिल जाएंगे, तो आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद। वी हैव दीज ब्यूटीज गाइज, दीज आर फ्रॉम बाटा। ये मैंने बाटा से खरीदी थी अपनी मदर के लिए, जो कि पहनने में उन्हें एक भी दिन नहीं देती, क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई है यार। मतलब जो इस तरीके का पैटर्न है इस पर, मैं अगर आप लोग मुझे बोलेंगे डेली कोई बैली पहननी है, तो मैं ये वाली बैली पहनने को तैयार हूँ। ये बहुत ही सुंदर लगती है पहन के, मैं इसको अपने हर आउटफिट के साथ पहनना पसंद करती हूँ, और ये हर एक ड्रेस के साथ मेरी चली जाती है, क्योंकि दीज आर दी मोस्ट कम्फर्टेबल बैलीज। मतलब कि जो बाटा की बैलीज होती है वो बहुत ही कम्फर्टेबल होती है बाटा की बैलीज। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस पर ये कुछ इस तरीके का शाइनी तरीके का मटीरियल लगाया हुआ है, जिससे कि एक ब्लिंगी सा इफेक्ट आता है। बाटा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाटा एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि आपको थोड़ा एक बार भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा फुटवेयर मिल जाएगा जो आप सालों साल चला सकते हैं। और नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली बॉटल ग्रीन कलर की बैलीज गाइज। लिटरली ये मुझे बहुत सुंदर लगती है बैलीज, और ये कुछ इस तरीके की दिखती है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इस पर ये जो नग लगे हुए एंड द बेल्ट वाला पैटर्न, यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इन बैलीज का। और ये कोई ब्रांडेड बैलीज नहीं है, ये लोकल मार्केट से खरीदी हुई बैलीज है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका मटेरियल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एंड द कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है यार कि आप कोई ब्रांडेड बैली ले रहे हो वही बहुत कम्फर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कोई लोकल मार्केट से भी बैली खरीद रहे हो तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और इसका भी कुछ वेलवेट टाइप ऑफ मटीरियल है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। एंड द ब्लिंक इज ऑल ओवर यार, दिस इज सो ब्यूटीफुल यार। मतलब इस पैटर्न की बैलीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो आगे से टोट होती है। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली बैलीज गाइज। मैं आपको इन बैलीज की स्टोरी बताती हूँ, ये मैं खरीद के लाई मार्केट से, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब कि ये बहुत अच्छी दिख रही थी मुझे, और इनका डिज़ाइन एंड ऑल ऐसे पीछे से भी साइड से ऐसा डिज़ाइन है। लेकिन पता नहीं क्यों, जब मैंने ये मतलब बैलीज मैं घर में ले आई, तो मैंने इनको एक भी बार नहीं पहना,
आई डोंट नो वाई, पता नहीं मैं इतने मतलब शौक से ये वैलीज लेके आई थी। यू कैन सी ये बहुत पेस्टल कलर की वैलीज थी, मुझे अच्छी भी लग रही थी, बट पता नहीं क्यों मैंने एक बार भी नहीं पहनी, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती आपको कि ये कंफर्टेबल है नहीं है। लेकिन आई लाइक द डिज़ाइन यार, मतलब कि कुछ इस तरीके की ये साइड से दिखती, यहाँ से ऐसा कट पैटर्न दिया हुआ है इसमें और आगे से टोट और ऐसे फेक ऐसा लेस शू लेस का पैटर्न मिल रहा है, मतलब कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन पता नहीं मैंने इसको क्यों नहीं पहना, आई डोंट नो वाई। लेकिन हाँ, मेरे कलेक्शन में एक ऐसी भी वैली है जो मैंने आज तक पहनी नहीं है, तो ये है वो वैली। और नेक्स्ट है गाइज मेरे पास ये मेरे मोस्ट फेवरेट शूज़, एज यू कैन सी दीज आर फ्रॉम स्पार्क्स। मुझे ये शूज़ इतने ज़्यादा पसंद है ना यार, मतलब मैं इन शूज़ को पहन के कहीं भी कुछ भी, मतलब आप मुझे बोल दो इन शूज़ को पहन के मनाली जाना है, मैं वहाँ भी चली जाऊँगी, क्योंकि ये शूज़ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है यार, मतलब आई स्वेयर बाय दी शूज़ यार। मैंने ये शूज़ जब से पहनना स्टार्ट करे थे, मुझे और कोई बैली पहनने का मन ही नहीं करता था, केवल चीज़ मिल जाती है ना तो आपको और सी चीज़ें पहनने का मन ही नहीं होता कि पता लगा सकते हो। ये मैंने इतने ज़्यादा पहने हैं ना, मतलब समझ लो एवरी सिंगल डे मैं यही जूते पहनना चाहती हूँ, क्योंकि इतने कंफर्टेबल है, क्योंकि मुझे जो मेरी दुकान है वो घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मुझे क्या होता है पैदल आना जाना होता है, तो ये जो जूते हैं ना यार, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कंफर्टेबल थिंग है। मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ज़्यादा महंगे भी नहीं है, अगर आप लोग एक शूज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल हो, तो आप इस तरीके के शूज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये प्लेन ब्लैक कलर में भी थे, रेड कलर में भी थे, तो आई थॉट मतलब कि मुझे तो ब्लैक ही लेना था, क्योंकि मुझे हर आउटफिट के साथ ये शूज़ पहनने होते हैं, मतलब चाहिए हर आउटफिट के साथ पहनने होते हैं, इसीलिए मैंने ये ब्लैक कलर के शूज़ गाइस। एज यू कैन सी आप देख सकते हैं ये थोड़े से डर्टी हो गए, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये पहने थे, लेकिन ये मुझे शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो मैंने ये पुरानी अपनी वीडियो में दिखाए हैं नहीं दिखाए हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं यार। दीज आर फ्रॉम कूव्स, आप लोगों को अगर यार मतलब मैंने वहाँ से बहुत सारे शूज़ और कपड़े बहुत खरीदे, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कूव्स की, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, लेकिन मैं अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। दीज आर फ्रॉम कूव्स और ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, मैं आप लोगों को वेट में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके के लेपर्ड प्रिंट में है गाइज, और इसके नीचे आपको इतनी हील मिल जाती है, जिससे कि आपकी अगर आप बहुत छोटे हाइट के भी हैं या आपकी हाइट बहुत कम है, तो आप इस तरीके की शूज़ में भी हील्स पहन सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो कि भाई आपकी हाइट बहुत कम है। इस तरीके की शूज़ हील मिल जाती है, और उसके बाद हमारा शूज़, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लेपर्ड प्रिंट के साथ वाइट कलर का शूलेस कंट्रास्ट मिल रहा है, जो कि बहुत बहुत ही प्रीटी लगता है यार। ये मैं स्कर्ट्स के साथ अपनी जीन्स के साथ पहनती हूँ, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक रील्स में भी पहना है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि मैंने अपनी रीसेंट रील में यही शूज़ पहने हैं, तो या और ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। पास गाइज ये येल्लो कलर की बैली, एज यू कैन सी। नेक्स्ट मेरे पास ये येल्लो कलर की बैली गाइज, दीज आर आई डोंट नो विच ब्रांड इज दिस, ये कुछ फेथ लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे कुछ फेथ लिखा हुआ है, आई डोंट नो ये कौन से ब्रांड की है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये रिसेंटली मुझे मेरी सिस्टर ने दी है, तो अभी तक मैंने इसको मैं खैर पहन के कहीं गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बैली बहुत अच्छी लगती है। एज यू कैन सी द टैंगी येलो कलर, ये मुझे बहुत अच्छा ब्राइट येलो कलर, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है वैलीज। और मेरे कलेक्शन में कुछ ऐसा था भी नहीं मेरे पास जो इस तरीके की हील वाला, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये वाला बेल्ट पैटर्न भी मिल रहा है, और इतनी हील मिल रही है, ये वाली हील जो होती है बहुत कंफर्टेबल होती है पहनने। नेक्स्ट है मेरे पास गाइज ये वाले शूज़, एज यू कैन सी द ब्यूटी यार, मतलब ये वाले शूज़ आई डोंट नो मैंने कब खरीदे थे, मुझे बिल्कुल भी याद भी नहीं है, लेकिन मुझे इनको एक भी बार पहनने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यू नो कोविड टाइम ने किसी को कहीं नहीं जाने दिया, तो ये वाले शूज़ हैं नेक्स्ट। एंड मैं आप लोगों को बता दूं यार गाइज, ये इतने ही नहीं है, ये कुछ इस तरीके के शूज़ हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो ये फुल आपकी जो घुटने होते हैं वहाँ तक आएंगे, अगर आप सर्दियों के टाइम पे कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको कुछ इस तरीके के शूज़ चाहिए, तो एज यू कैन सी द हील, कुछ इस तरीके की हील है इसकी, और ये यहाँ
तक बहुत ही पॉइंटेड नहीं है, लेकिन गोल से शूज है और शूज, और ये कुछ इस तरीके के वेलवेट के शूज है अगर आप लोग देखेंगे, एंड द ब्लिंगी पैटर्न। ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि एक तरीके का सॉक्स होता है ना, ये उस तरीके का फैब्रिक है। तो ये है नेक्स्ट मेरे पास। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ गाइज, होप सो आप लोगों को मेरा ये आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, और प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा शूज़ इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।